नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। किन्नर हत्याकांड में आया नया मोड़, मुस्कान के पति ने पुलिस को बताया चौंकाने वाला राज, इस बात से हर कोई था अनजान। आपको बता दें, उन्नाव के सभीपुर कस्बे के मोहल्ला बबर अली खेड़ा में किन्नर मुस्कान की हत्या के बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तीन गुटों में विवाद हो गया। इस कारण पोस्टमार्टम हाउस में 2 घंटे तक हंगामा हुआ। कानपुर से आए लालमन, लखनऊ की शाहिदा हाजी और उन्नाव के कमल के साथ अलग अलग किन्नरों के गुट शव का अंतिम संस्कार करने के लिए खींचातानी करने लगे। पुलिस ने किन्नरों के मुखिया से बात कर उन्हें शांत कराया। बाद में शुक्लागंज के चंदन घाट पर अंतिम संस्कार पर सहमत बनी। सभीपुर कोतवाल अवनीश कुमार सिंह मृतक किन्नर के पति व अन्य के साथ शव लेकर घाट गए। इस दौरान अशोभा, आशीवन, सभीपुर व सदर कोतवाली की फोर्स भी तैनात रही। कमाई में हिस्से को लेकर अब मन मुटाओ। मुस्कान सम्मेलनों में भी जाती थी। पति सोनू ने बताया कि 3 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। मथुरा में वह मकान बनवा कर रह रहा है। 15 दिन पहले वह घर आया था। मुस्कान ने कार चालक मनोज गोस्वामी को शुक्रवार सुबह बाइक देने मथुरा भेजा था। सोनू ने बताया कि साथ रहने वाले किन्नर अन्नू को मुस्कान के क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांग था। 3 महीने पहले एटीएम से 40,000 रूपए निकाल लिए थे। इस पर दोनों में विवाद हुआ था। बताया कि किन्नर जो भी कमाई करते थे 50% मुस्कान के हिस्से में आती थी। इस पर भी मन मुटाव हुआ था। किन्नर के शव का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई थी। पैनल में सीएससी पूर्वा के डॉक्टर उमेश कुमार और अशोभा सीएससी के डॉक्टर विमल कुमार शामिल रहे। पोस्टमार्टम में सिर में गोली लगने से पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि उन्नाव के सभीपुर कस्बे के मोहल्ला बबर अली खेड़ा में शुक्रवार रात किन्नर की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे लाखों के जेवर, कीमती सामान, मोबाइल फोन लूट ले गए। शनिवार सुबह रसोईया घर पहुंची तो घटना का पता चला। किन्नरों के साथ रहने वाले 3 साथी फरार हैं। पुलिस सर्विलांस के जरिए उनकी तलाश कर रही है। एसपी का कहना है कि संपत्ति के लालच में हत्या की गई है। कानपुर के बिठूर के गांव अरेर निवासी किन्नर मुस्कान 35 वर्षीय का बबर अली खेड़ा में मकान है। उसके साथ मुरादाबाद निवासी किन्नर रूबी, मथुरा की सलोनी और झांसी के अन्नू भी रहती थी। शनिवार सुबह करीब 5 बजे सराय सुबेदार निवासी रसोईया पुष्पा और संतोष मुस्कान के घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। किसी तरह दरवाजा खोला तो खून से लथपथ मुस्कान का शव बिस्तर पर पड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। रिपोर्ट ललित कुमार।